निवेश जितनी जल्दी शुरू हो फायदा उतना ज्यादा मिलता है, ये बात अक्सर कही जाती है। लेकिन बहुत लोगों का रोना ये रहता है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं निवेश शुरू भी कर सकूं। लेकिन निवेश शुरू करने के लिए पैसे के साथ निवेश की नियमित आदत डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हर महीने आप 1,000 रुपये भी बचा सकते हैं तो निवेश का सफ़र बेहद आसानी से शुरू किया जा सकता है। मार्केट में ऐसे तमाम म्यूचुअल फंड मौजूद हैं जिनमें 100 रुपये से लेकर 500 रुपये या 1,000 रुपये तक की SIP के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि SIP होता क्या है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये पैसे जमा करने का एक तरीका होता है। SIP के तहत निवेशक पैसे डालने की एक तय अवधि चुनता है और उसी हिसाब से पैसे जमा करता है। SIP हर सप्ताह, हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर सालाना आधार पर भी जमा कर सकते हैं। आज हम 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 1,000 रुपये के निवेश पर 5 सालों में सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है। ये लिस्ट ईटी मनी की तरफ से सुझाई गई। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड की। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। यह फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। अगर लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए तैयार हैं तो ये फंड आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4,337 करोड़ रुपए। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58% और ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी में आता है। रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा है और इसके फंड मैनेजर हैं अंकित पांडे, बसव सहगल और संजीव शर्मा। दूसरी फंड स्कीम का नाम है पराग पारीख फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारीख फ्लेक्सी कैप फंड को PPFAS म्यूचुअल फंड ऑफर करता है। यह फंड 28 मई 2013 को शुरू हुआ था। यह एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है। ये फंड भी लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर और उन शेयरों से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। ये फंड माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजोन और मेटा जैसी विदेशी कंपनियों में 18% निवेश करता है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 35,965 करोड़ रुपए और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। यह फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है और इस फंड के मैनेजर हैं राजीव ठक्कर, रौनक ओनकार, रुकुन तारा चंदानी और राज मेहता। इसी क्रम में तीसरा फंड है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। यह फंड लार्ज और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 25,332 करोड़ रुपए है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यह 0.67% है। ये फंड लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का है। रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा है और इसके फंड मैनेजर हैं नीलेश सुराना और अंकित जैन। इसी तरह चौथा म्यूचुअल फंड है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ये फंड भी लार्ज और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। ये फंड 1 जनवरी 2013 को शुरू हुआ था। अगर लंबे समय तक निवेश करके पैसे बनाना चाहते हैं तो इस स्कीम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,128 करोड़ रुपए है, यानी ये फंड 13,128 करोड़ रुपए मैनेज कर रही है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% से भी कम है और इस फंड को मैनेज करती हैं हर्षा उपाध्याय। इसी क्रम में आखिरी और पांचवा फंड है हमारा कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। ये फंड 2 जनवरी 2013 को शुरू हुआ था। ये फंड खास तौर पर उन शेयरों में पैसा लगाता है जिनमें ग्रोथ की काफी अधिक संभावना होती है। इस फंड की दूसरी डिटेल की बात करें तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 16,791 करोड़ रुपए है। ये फंड लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का है। रिस्क के मामले में देखें तो इसमें भी रिस्क काफी ज्यादा है और इस फंड के मैनेजर हैं श्री दत्ता भंडवलदार। आखिर में सबसे जरूरी सलाह, फंड कोई भी चुने ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि इस निवेश के साथ आपकी निवेश की जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ जरूरी टर्म्स जरूर समझ लें, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एग्जिट लोड जैसे तमाम चीजें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े वीडियोस देखने के लिए देखते रहें द लल्लन टॉप। शुक्रिया।